हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मास ट्रांसफ़र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है डिस्टिलेशन। उस डिस्टिलेशन चैप्टर में दो टर्म आती हैं, रिफ्लक्स रेशियो एंड क्यू लाइन। तो इन दो टॉपिक के बारे में अपन आज पढ़ेंगे कि क्या रिफ्लक्स रेशियो है और क्या क्यू लाइन है, और अपन इसको क्या इनका अभिप्राय है, क्या एक सिग्निफिकेंस है, क्यों अपन इसको पढ़ते हैं, क्या काम आता है। तो सबसे पहले अपना है रिफ्लक्स रेशियो एंड इट्स सिग्निफिकेंस। रिफ्लक्स पहले तो पढ़ो, रिफ्लक्स रेशियो पहले आता है, रिफ्लक्स क्या है, ये होता क्या, फिर उसके बाद में आता है रेशियो। रिफ्लक्स क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम में ऊपर से निकलने वाले, डिस्टिलेशन जो कॉलम अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, उसमें टॉप प्रोडक्ट जो निकलता है, जो ऊपर से निकलता है कॉलम के ऊपर से निकलता है उसको टॉप प्रोडक्ट बोलते हैं, और कॉलम के नीचे से जो निकलता है उसको बोलते हैं बॉटम प्रोडक्ट। तो जो कॉलम के ऊपर से निकलता है टॉप प्रोडक्ट, उसके बारे में बात कर रहा है। डिस्टिलेशन कॉलम में ऊपर से निकलने वाले लिक्विड का कुछ भाग वापस कॉलम में भेजना क्या कहलाता है, रिफ्लक्स। ये सिंपल सी परिभाषा होगी अपनी, कि जो ऊपर टॉप प्रोडक्ट निकलता है उसको कंडेंस करके उसका कुछ पार्ट तो वापस कॉलम में भेज देते हैं और कुछ पार्ट उसका एज ए टॉप प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो जो वापस अपन कॉलम में भेजते हैं, रिटर्न करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लक्स, उसको बोल दिया रिफ्लक्स। अब आता है रिफ्लक्स रेशियो क्या है। डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स किए हुए मोल तथा बाहर निकाले प्रोडक्ट के मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, रिफ्लक्स रेशियो, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कितना तो अपन ने अंदर भेजा और कितना बाहर निकाला, इन दोनों का रेशियो होता है रिफ्लक्स रेशियो, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है। जो भी कॉलम अपन डिज़ाइन करेंगे, कॉलम की डिज़ाइन, डायामीटर, हाइट कितनी है, प्लेट की संख्या कितनी है, उन सब में आर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, डिज़ाइन फैक्टर है। अगर रिफ्लक्स रेशियो का मान बढ़ा दिया जाए तो कम ट्रिक यूज़ करके भी एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ सेपरेशन अचीव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अपन रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाते जाएंगे ना, तो कॉलम के अंदर प्लेट की संख्या अपने को कम रिक्वायरमेंट होगी, उनकी रिक्वायरमेंट हो कम होती जाएगी। जब रिफ्लक्स रेशियो का मान इन्फिनिटी हो तो सबसे कम ट्रे की आवश्यकता होती है। अगर रिफ्लक्स रेशियो का मान इन्फिनिटी, इसका मतलब है रिफ्लक्स रेशियो मान इन्फिनिटी हो गया, मतलब जो टॉप प्रोडक्ट पूरा था उसको बाहर ना निकाल के पूरा का पूरा वापस कॉलम में दे दिया, उस टाइम हो जाता है आर इक्वल टू इन्फिनिटी। उस कंडीशन में अपने को ट्रे की मिनिमम आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि जीरो होती है, मिनिमम, उससे कम अपन ट्रे यूज़ नहीं कर सकते, इतनी तो अपने को आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक, अब देखो साइड में अपने एक डायग्राम बनाया है मैंने, उसमें देखो ये कॉलम है, कॉलम का अपर डायग्राम है, ऊपर जो ऊपर का भाग होता है ना वो बनाया है, उसमें सबसे पहली ट्रे है, एक नंबर लिखा ना वो है सबसे पहली ट्रे। पहली ट्रे से जो वेपर निकलती है उसको बोलते हैं वी वन बोल दो, चाहे वी वन बोलते हैं, सिंपली वी बोल दिया यहाँ पे अपन, वी वन क्यों बोला, क्योंकि जिस प्लेट से निकलती है उसको उसी का नाम देते हैं, जैसे वी प्लेट, एक नंबर प्लेट से निकलती है तो उसके लिए हो गया वी वन। वी गई ऊपर, उसको कंडेंसर में ठंडा किया, कंडेंस कर लिया, और कंडेंस में ठंडा करने के बाद उसका कुछ पार्ट एल के रूप में वापस अपन दे रहे हैं, किसमें, कॉलम में, और डी के रूप में तो प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं। तो रिफ्लक्स रेशियो क्या हो गया, एल अपॉन डी, एल मतलब जितना दे रहे हैं और डी अपन बाहर निकाल रहे हैं, एल बाई डी, ये हो गया अपना रिफ्लक्स रेशियो एल अपॉन डी। आगे है, रिफ्लक्स रेशियो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो आर वन और एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो आर डी। जो अपन पढ़ रहे थे ऊपर वो है एक्सटर्नल, क्योंकि अपन बाहर से दे रहे हैं, कॉलम के बाहर की बात है, कॉलम से बाहर अपने कंडेंस किया फिर उसको दिया, तो इसको एक्सटर्नल बोल दिया। जनरली अपन यूज़ करते हैं एक्सटर्नल वाले को, तो अपने को ये याद रखना है कि एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो इज द रिफ्लक्स रेशियो अपन बोलते हैं जो एल अपॉन डी। ठीक है, ये हो गया रिफ्लक्स रेशियो के बारे में। आगे आता है अपना ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। ऑप्टिमम ये क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम की डिज़ाइन में रिफ्लक्स रेशियो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिफ्लक्स रेशियो का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ट्रे की संख्या घटती जाती है। रिफ्लक्स रेशियो का मान बढ़ाते जाते ट्रे की संख्या कम होती 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 सबसे मिनिमम कब हो जाएगी, जब आर इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी से ज़्यादा आर हो नहीं सकता, ठीक, तो उस टाइम अपने को सबसे कम ट्रे की आवश्यकता होती है, परिणाम स्वरूप कॉलम की हाइट भी घटती है। अब कम ट्रे की आवश्यकता होती है तो ओबीसी बात की हाइट की ट्रे, कॉलम की ट्रे भी, सॉरी
कॉलम की हाइट भी घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रिफ्लक्स रेशियो का मान बढ़ता है वैसे 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 रिबॉयलर तथा कंडेंसर डिमांड हायर हीट ऑफ ड्यूटी अर्थात रिबॉयलर तथा कंडेंसर के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाएंगे ना अपन तो ज़्यादा प्रोडक्ट वापस कॉलम के अंदर भेजेंगे, वापस कॉलम के अंदर भेजेंगे मतलब जो नीचे रिबॉयलर लगा है और ऊपर जो कंडेंसर लगा है उनको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी, ज़्यादा रिबॉयलर को ज़्यादा लिक्विड को रिबॉयल करना पड़ेगा और जो ऊपर कंडेंसर लगा रहा है उसको ज़्यादा वेपर को कंडेंस करनी पड़ेगी, इसलिए उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रे की संख्या तो कम हुई लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई। अतः हमें रिफ्लक्स रेशियो का मान इस प्रकार चूज करना है कि जहाँ इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, इस प्रकार करना है कि ट्रे की संख्या भी कम चाहिए और रिबॉयलर और कंडेंसर की हीट ड्यूटी मतलब उनके लिए उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो, मतलब बीच का सा हो, ऑप्टिमम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। मतलब जहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की कॉस्ट मिला के कम हो। तो नीचे एक ग्राफ दिया गया उससे देखो, वाई एक्सिस पे लिया मैंने कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे लिया है रिफ्लक्स रेशियो। कॉस्ट और रिफ्लक्स रेशियो के बीच में ग्राफ खींचा तो एक है फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो जब कॉलम अपन लगा रहे थे जब रिफाइनरी अपन सेटअप कर रहे थे वो होती है टोटल कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट जो स्टार्टिंग में लग गई वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, वो अब चेंज नहीं होगी, वो होगी। अब अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट देख रहे हैं, नीचे जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही धीरे धीरे। अब इन दोनों का सम होएगा, सम जो होगा दोनों का ऐड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो होगी टोटल कॉस्ट जो सबसे ऊपर जा रही है। वो मिनिमम कहाँ पे है, जहाँ पे मिनिमम हो रही है वो टोटल कॉस्ट, उसको बोलते हैं अपन आर ऑप्ट, आर ऑप्ट मतलब आर ऑप्टिमम। उस रिफ्लक्स रेशियो का मान अपन लेंगे जब अपन रिफाइनरी या डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी ऑपरेटिंग प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। तो फाइनली अपन क्या क्या कह सकते हैं, रिफ्लक्स रेशियो का वह मान जिस पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। जनरली मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो आरएम का 1.2 या डेढ़ गुना रिफ्लक्स रेशियो। अब जैसे आरएम है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, जो ग्राफ में देख सकते हो अपन आरएम, उसका अपन 1.2 या 1.5 गुना कर लेंगे तो अपना ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो आ जाएगा। ऐसा जनरली करते हैं कि जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है उसका कितना गुना अपन आर ऑप्टिमम लेंगे, 1.2 से 1.5 गुना के आसपास। तो ये अपनी बात होगी रिफ्लक्स रेशियो के बारे में और ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो के बारे में। अब हम चलते हैं क्यू लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ क्यू लाइन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि इक्वेशन ऑफ क्यू लाइन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है। डिस्टिलेशन कॉलम में फीड ट्रे पर फीड को एंटर कराया जाता है। फीड या तो लिक्विड या वेपर या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। डिस्टिलेशन कॉलम में जब भी अपन फीड एंटर करेंगे तो या तो लिक्विड हो सकता है या वेपर हो सकता है या दोनों का मिक्सर हो सकता है। फीड ट्रे पर मटेरियल तथा एनर्जी बैलेंस करने पर हमें फीड लाइन प्राप्त होती है, जिसे क्यू लाइन के नाम से जाना जाता है। फीड ट्रे पर क्यू मटेरियल और एनर्जी बैलेंस लाएंगे, किस ट्रे पर, जिस पर फीड एंटर हो रहा है उसको बोलते हैं फीड ट्रे, उस पर अपन एनर्जी और मटेरियल बैलेंस लगाएंगे तो अपने को मिलेगा क्यू लाइन की इक्वेशन। तो ये देखो डायग्राम में मैंने एक कॉलम का वो पार्ट दिखाया है जिस पे फीड एंटर हो रहा है, जो बीच कॉलम के बीच में लगी है वो है फीड ट्रे, उस पे मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस अपन लगाएंगे। तो टोटल मटेरियल बैलेंस किया, कितना टोटल आ रहा है प्लेट पे और कितना प्लेट से जा रहा है टोटल, डन। तो इसके बाद में देखो नीचे लिखा है एल बार माइनस एल बराबर फीड में लिक्विड की बात रहा, फीड में लिक्विड एल क्या था, एल ऊपर से आ रहा था, ऊपर वाली रेक्टिफिकेशन सेक्शन से आ रहा था लिक्विड, वो था एल, और जो नीचे जैसे ही स्ट्रिपिंग सेक्शन में जाएगा वो हो जाएगा एल बार। अब ऊपर से आ रहा था और रेक्टिफाइंग सेक्शन से आ रहा था और स्ट्रिपिंग सेक्शन में गया, अब उसमें ऐड कहाँ से हो गया, फीड में से, अगर फीड में लिक्विड है तो और ऐड हो गया, तो एल बार माइनस एल बराबर क्या हो गया, फीड में लिक्विड की मात्रा। इतनी लिक्विड में अगर एल बार माइनस एल बराबर जीरो है तो मतलब फीड में कोई लिक्विड था ही नहीं, जितना रेक्टिफिकेशन सेक्शन से आ रहा है उतना ही स्ट्रिपिंग में जा रहा है, डन। तो अब नीचे क्या है, एल बार माइनस एल अपॉन एफ इक्वल टू स्मॉल क्यू, वो कहते हैं फीड में लिक्विड का फ्रैक्शन, फीड में लिक्विड का फ्रैक्शन मतलब फीड में कितना लिक्विड है, फीड में लिक्विड का फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन जानते हैं ना, जैसे मोल फ्रैक्शन है, खुद के मोल अपन टोटल मोल, उस टाइप में फ्रैक्शन है, अंश है। फीड में लिक्विड का अंश, तो स्मॉल क्यू क्या होता है, फीड में कितना फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड क्यू। और इसकी एक अन्य परिभाषा भी है क्यू की, क्यू को इस प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं, एक मोल फीड को, क्यों बराबर एक मोल फीड को सेचुरेटेड वेपर में बदलने के लिए आवश्यक हीट अपॉन सेचुरेटेड लिक्विड की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये होती है क्यू। या तो क्यू को बोल दो कि फीड में लिक्विड का मोल अंश, या बोल दो कि एक मोल फीड को, एक मोल फीड चाहे लिक्विड हो चाहे वेपर हो, दोनों का मिश्र कोई भी हो, उसके एक मोल को सेचुरेटेड वेपर में बदलने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है अपॉन सेचुरेटेड लिक्विड की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इनका रेशियो होता है क्यू। क्यू का मान फीड की अवस्था पर निर्भर करता है, फीड की अवस्था मतलब वो सबकूल्ड लिक्विड है या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है या सुपरहीटेड है, उस पे उसकी अवस्था पे, वो होती है अवस्था, उस पे डिपेंड करेगा कि क्यू का मान कितना है, जीरो है, एक है, दो है, कितना भी जो भी है, दो तो होता नहीं है, जीरो से एक के बीच में रहता है। और क्यू का मान नेगेटिव भी जा सकता है। आता है अब है, हम जानते हैं कि अब ये यहाँ पे लगाया इसने, नीचे देखो सबसे नीचे ये क्या है, वी वाई इक्वल टू एल एक्स प्लस डी एक्स, ये रेक्टिफिकेशन सेक्शन के लिए लगा दिया, और वी बार वाई बराबर एल बार एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, ये स्टिपिंग सेक्शन के लिए लगा दिया, कंपोनेंट बैलेंस लगा दिया यहाँ पे। ऊपर सबसे ऊपर लगाया था वो था ये था टोटल मटेरियल बैलेंस, और नीचे लगाया इसने क्या, कंपोनेंट बैलेंस। ठीक, अब इन दोनों समीकरण जो ऊपर आई थी अपने एक और बी से, इसने फाइनली क्या प्राप्त किया यहाँ पे, ये देखो जो मैंने बॉक्स में लिखी है वो है वाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस वन एक्स माइनस जेड एफ अपॉन क्यू माइनस वन, ये हो गई वाई जो बॉक्स में लिखी है ना मैंने वाई इक्वल टू दिस, ये हो गई इक्वेशन ऑफ क्यू लाइन। ये ऊपर आप सोल्व कर लोगे, ए और बी को घटाने पर जनरली वो पीछे जो इक्वेशन आई उनको सिंप्लीफाई कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन से अपने पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी, डन। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ फीड लाइन, इसको फीड लाइन बोल दो या क्यू लाइन बोल दो, इक्वेशन ऑफ फीड लाइन या क्यू लाइन दोनों एक ही चीज़ है। वाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस वन इंटू एक्स माइनस जेड एफ क्यू क्यू अपॉन क्यू माइनस वन। अब इसको गए ग्राफ में बताया गया है, वाई एक्सिस पे वाई है और जेड एक्सिस पे एक्स है, एक्स एक्सिस पे एक्स है। तो जैसे अपन देखो, अगर क्यू की वैल्यू एकदम सीधी है, क्यू की वैल्यू एकदम वर्टिकल है, तो क्यू इक्वल टू वन, क्यू इक्वल टू वन। और अगर क्यू इक्वल टू वन कब होगा, जब सेचुरेटेड लिक्विड होगा, लिक्विड क्या होगा, फीड क्या होगा, जो फीड दे रहे हैं कॉलम में वो होगा सेचुरेटेड लिक्विड, तब होता है क्यू इक्वल टू वन, तो फीड लाइन होगी एकदम वर्टिकल। अगर सेचुरेटेड से कम उसका टेम्परेचर है, सबकूल्ड लिक्विड बोलते हैं, अगर सेचुरेशन से कम टेम्परेचर पे है कोई फीड तो उसको बोलते हैं सबकूल्ड लिक्विड, तो उस कंडीशन में होता है क्यू इक्वल टू ग्रेटर देन वन, क्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगा, एक से ज़्यादा वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक, अगर इन दोनों का मिक्सर है, जो फीड दे रहे हैं अपन डिस्टिलेशन कॉलम में, उसमें वेपर भी है और लिक्विड भी है, तो उसको बोलते हैं दोनों का मिक्सर, उस कंडीशन में क्यू की वैल्यू जीरो से एक के बीच में होगी, क्यू की वैल्यू जीरो से एक के बीच में होगी। अब अगर जो फीड दे रहे हैं वो वेपर है, सेचुरेटेड वेपर है, तब क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, सेचुरेटेड वेपर क्या होगी, क्यू की वैल्यू जीरो। और अगर जो फीड दे रहे हैं वो है सुपर हीटेड, मतलब सेचुरेशन से भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उस स्टीम का, उसकी वेपर का, स्टीम नहीं वेपर का, तो उस कंडीशन में बोलते हैं उसको सुपर हीटेड, तब क्यू की वैल्यू होगी नेगेटिव में, तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव से एक से बड़ी तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि फीड किस अवस्था में है। ठीक, ये फिर जो अपने अभी अपन ने ग्राफ पढ़ा है उसको एक सारणी के द्वारा बता दिया इसने, फीड टाइप एंड वैल्यू ऑफ क्यू। तो सबसे पहले फीड टाइप, सबकूल्ड लिक्विड के लिए मैंने बताया था क्यू इक्वल टू ग्रेटर देन वन, लाइन आएगी वर्टिकल से राइट साइड में, क्यू इक्वल टू वन, और स्लोप हो गया,
स्लोप कितना हो गया, थीटा इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, और सेचुरेटेड लिक्विड है तो एकदम वर्टिकल आएगी, क्यू इक्वल टू वन और थीटा 90 डिग्री, एकदम वर्टिकल है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। और वेपर या पार्शियल वेपर है पार्शियल लिक्विड है, मतलब दोनों का मिक्सर है, आधा वेपर है आधा आधा भी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का मिक्सर बोल दो, तो इसमें क्यू और क्यू होगा 0 से 1 के बीच में, और थीटा भी 90 से 180 के बीच में हो गया। फिर आता सेचुरेटेड वेपर, सेचुरेटेड वेपर मतलब वो वेपर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, अपने ड्यू पॉइंट पे है, तो उसको बोलते हैं क्यू इक्वल टू 0 और थीटा हो गया 180, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और उससे भी अगर टेम्परेचर उसका हाई है, सुपरहीटेड वेपर है, तो क्यू होगा नेगेटिव, क्यू लेस देन 0, उस कंडीशन में थीटा होगा ग्रेटर देन 180। ठीक, तो ये हो गया अपना क्यू लाइन के बारे में और रिफ्लेक्स रेशियो के बारे में। थैंक यू।